सलमान खान जिनकी कमाई करोड़ों में है, महीनों की नहीं बल्कि दिनों की कमाई जो है वो करोड़ों में है, वो अब मुंबई में जिस शहर में खान फैमिली की इतनी प्रॉपर्टी है वहां पर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने अपनी ही बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट बुक करवाया है। इस फ्लैट का रेंट अग्रीमेंट सलमान खान के नाम पर ही किया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर खान फैमिली का बसेरा है, सालों से खान फैमिली वहीं पर बसी हुई है। इनफैक्ट सलमान खान छोटे से बड़े इसी अपार्टमेंट में हुए हैं और इसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना बचपन, अपना स्टारडम, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट टाइम देखा है। इस बिल्डिंग को सलमान कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सलमान का अपना अपार्टमेंट है जहां पर वो अकेले रहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट ये है। फर्स्ट फ्लोर पर सलमान के मॉम डैड रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर सलमान खान ने एक स्पेस रेंट आउट किया है जिसका अग्रीमेंट उन्होंने करवा लिया है। 4 सालों का अग्रीमेंट उन्होंने इस फ्लैट के ओनर के साथ किया है जिसके लिए सलमान खान ने 25 लाख रुपए का हैवी डिपॉजिट दिया है। इसके अलावा पहले साल में जो सलमान खान का मंथली रेंट होगा वो होगा 2,70,000 पर मंथ। सेकेंड ईयर सलमान को पे करने होंगे 2,85,000 पर मंथ। तीसरे साल में 3 लाख रुपया हर महीने और चौथे साल में 3,15,000 रुपए हर महीने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सलमान खान जिनके पास रहने की जगहों के लिए कमी नहीं है, इनफैक्ट सलमान तो अब तक अपने फ्रेंड्स को तक फ्लैट्स गिफ्ट करते हुए आए हैं। कहा जाता है कि सलमान ने कैटरीना कैफ को भी फ्लैट गिफ्ट किया, उन्हें कोई स्पेस रेंट पर लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनका जो स्टूडियो फ्लैट है उसको सलमान खान रेनोवेट करवा रहे हैं या फिर अपनी ही बिल्डिंग में सलमान खान अपनी फिल्म का प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस खोलने जा रहे हैं ताकि सलमान का टाइम बच जाए, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़े और घर और ऑफिस सेम बिल्डिंग में रहे तो सलमान इजीली अपने काम को मैनेज कर पाए। क्या है ये कारण, ये तो अभी सामने नहीं आया है लेकिन पुख्ता रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि सलमान खान ने अपनी ही बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लिया है।